बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोधा में, और जब सरगोधा का जिक्र करते हैं तो आपको अक्सर लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हम मौजूद हैं उस्ताद आसम चंदर साहब जो रिंग लीडर हैं। चंदर साहब रिंग लीडर हैं जी, किलिए खेल ग्रुप ऑफ पिपला के, उनकी तरफ मौजूद हैं। और आप मेरे साथ देख ही रहेंगे, बड़े सीनियर असातिज़ा किराम मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं उस्ताद अज़हर गुराया साहब, लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं उस्ताद सैफुल्ला खान भलवाल साहब, उनसे आगे मौजूद हैं उस्ताद मिठू लाली साहब, उनके आगे मौजूद हैं हसन साहब। तो ये बाकी आसम साहब को तो पहले हमने दिखा दिया, राणा साहब का जिक्र जरूर करना है। हमारे हर दिन की शख्सियत सबको याद रहने वाला, कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है आज की, कि आज बड़े ही खुशगवार माहौल में और बड़ी दिलचस्प नोक झोंक भी होती रही, उसमें वन टू वन मुकाबले तय पाए हैं। और उसमें मुकाबलों के इस वक्त तीन एक किस्म के पैकेज लगे हैं। जो पहला पैकेज लगा है वो उस्ताद मिठू लाली साहब हैं, उनके उस्ताद सैफुल्ला खान साहब ने अपने शागिर्दों की 14 छतें या अपने ग्रुप की 14 छतें दी हैं, जिनका वन टू वन मुकाबला तय पाया है उस्ताद मिठू लाली एंड हसन लाली से, ठीक है। और ये 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला है। इनमें से एक छत है उस्ताद जुल्फकार चिरविंड चिरविंडिया, ये है जी सरदार जब्बार गुजर छात्र, 7 दिन की टोटल एवरेज का, बाकी सबसे 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला तय पाया है। दूसरा फॉर्मेट जो है उसमें हमारे पास जो छतें हैं उसमें एक पैकेज तय पाया है, किलिए खेल ग्रुप बा मुकाबला उस्ताद सैफुल्ला खान ग्रुप, और इसमें 5-5 छतें दी गई हैं। 5 छतें दी गई हैं उस्ताद सैफुल्ला खान साहब की तरफ से, और वो छतें हैं अब्दुल सत्तार वटू शेखपुरा, कमर रावलपिंडी, राजा यासिर करियाला सराय आलमगीर, शेरी एंड सुबान ये कहाँ की छत, मंडी बाउद्दीन, उस्ताद शहबाज इस्लामाबाद। और उनके मुकाबले पे किलिए खेल ग्रुप की हैं उस्ताद अमीर मुख्तियार खां, उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद कलीमुल्ला, उस्ताद आसिम चद्दर छत, फिजान मान ननकाना, चौधरी जायद हनान फैसलाबाद। ये 5 छतें, यानी हर छत का 5 छत से मुकाबला है हर छत, और ये भी 11 दिन की टोटल एवरेज के मुकाबले तय पाए। अब आ जाते हैं हम तीसरे फॉर्मेट की तरफ। तीसरे फॉर्मेट में किलिए खेल ग्रुप ने उस्ताद सैफुल्ला खान साहब को छतें दी हैं, यानी उनका शौक करवाया है, और वो 14 छतें दी हैं, और उसमें उस्ताद अमीर मुख्तियार खां हैं, उस्ताद मिठू लाली हैं, उस्ताद कलीमुल्ला हैं, चौधरी जायद हनान फैसलाबाद हैं, उस्ताद आसिम चद्दर छत फजान मान, शिफाकत कोडली बजाड, उस्ताद मलिक हक नवाज, मलिक फैज इस्लामाबाद, उस्ताद इफ्तार खल सरगोधा, अरशद भट्टी, सोनू डार जेलम, जवेद कलोरकोट, राणा इंतजार सरगोधा, हाजी रफीक कायदाबाद जिला खुशाब। और ये जो मुकाबले ये 3 फॉर्मेट के तय पाए हैं। इसमें 11 दिन की टोटल एवरेज, 11 में से 6 एवरेज और 11 में से 6 हिट, यानी 3 फॉर्मेट है। और जो पहला फॉर्मेट था उसमें भी अब छतों का सारी मतलब सैफ खान के, ये सैफ खान, ये तीसरा हमने बताया। तो दोस्तों ये थे वो मुकाबले जो आज इंतहाई खुशगवार माहौल में तय पाए हैं, और मैं तमाम साथियों का मशकूर हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से एक दूसरे की बात सुनी है, एक दूसरे को अकोमोडेट किया है, यही शौक का असल हुसन है। शाह जी भाई, ये कि सैफुल्ला खान साहब हमारे बड़े भाई हैं, पहले भी हैं और अब भी और रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शौक तो होता है कबूतरों का, तो इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला करेंगे आपस में प्यार, जैसे पहले भी इनके साथ ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी खान साहब क्या कहेंगे, इंशाल्लाह अच्छा शौक होगा अल्लाह हमारे छोटे भाई। हां जी इंशाल्लाह बहुत अच्छी जी। अदर भाई क्या कहेंगे, बड़ी खुशी हुई है, अगर मुकाबले तय हो गए खान साहब, बड़ा अच्छा शौक तय होया।
बिलखसूस उस्ताद अब्दुल जब्बार साहब भी यार कर लेंगे चंगा सी वगैरह तो जी बहुत अच्छे मुकाबले तय हुए हैं गेट दल 2024 के लिए और उस्ताद सैफुल्ला खान ने बहुत अच्छे माहौल में हमारे साथ तावन भी किया और शौक भी तय किया। नहीं बहुत अच्छी बात है, आखिरी गुफ्तगू सिर्फ यही है कि मुझे आज इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि एक दूसरे का एहतराम किया है, एक दूसरे से प्यार किया है और सिर्फ शौक की बात हुई है, शौक की बेहतरी की बात हुई है। ये तमाम मुकाबले जो है पंजाब कमेटी के कानून के मुताबिक इंशाल्लाह उड़ाए जाएंगे। पंजाब कमेटी जो है उसमें उस्ताद अलीपुर साहब है, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब है, उस्ताद औरंगजेब खान साहब है, यासीन खान साहब है, सैफुल्ला खान साहब है, इमरान खान साहब है, ये कमेटी है और इसके जेर निगरानी ये मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे और नहीं आना चाहिए, कानूनी तौर पर माना है। तो इन्हीं अच्छी इल्फाजात के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ के शौकीन हजरात को इंशाल्लाह जेठ 2024 में ये मुकाबले हैं जेठ 2024 के एक अच्छा शौक देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।